Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. Hello everyone. तो हमारा फिजिक्स सीरीज में ये अगला वीडियो है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो हम लोग इसको दो पार्ट में कराएंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में, ठीक है। लाइट क्या है? लाइट क्या होता है कि इसको, ये ऑप्टिक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फिजिक्स का जो ब्रांच लाइट के जुड़ा होता है, लाइट से, उसकी स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, ठीक है, इसी के लिए लिखा है, ठीक है। लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, क्लियर। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसको समझना है एकदम डिटेल में तो ही क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनेंगे, और क्वेश्चंस आते भी हैं इस टॉपिक से और क्वेश्चंस बनता भी है क्योंकि टॉपिक बहुत ब्रॉड है और एवरी डे ऑब्जर्वेशन, जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखें तो एवरी डे, आई मीन एवरी डे ऑब्जर्वेशन में तो लाइट के बिना तो कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। ऑब्जर्व करने के लिए लाइट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे आराम से दो पार्ट्स में, तो बने रहिए साथ में। क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट जाने डायरेक्ट क्वेश्चंस जाना बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज नथिंग बट लाइट इज एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हीट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट इज एनर्जी। अच्छा, एनर्जी है तो हमने यूनिट्स में पढ़ा था ना फिजिकल क्वांटिटी, तो जब एनर्जी है, एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो हम इसको नाप भी सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विदिन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको जब अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, जैसे कि आप टॉर्च जलाते हैं, पहले तो टॉर्च आता था, अब तो मोबाइल में एम्बेडेड है, तो उसमें जब आप टॉर्च जलाते हैं कुछ ऐसा होता है टॉर्च, इससे लाइट निकलता है ना, रेडिएट कर रहा है ना, ये निकलने का, ये जो एनर्जी निकल रहा है इसको रेडिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप सन जो है, सूर्य, ये भी सन जो है लाइट एनर्जी एमिट करता है। उसके अलावा अगर आप देखें, जैसे कि गाड़ी का लाइट होता है, कोई भी गाड़ी चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, कार चलाएं, ट्रेन, बस, सबका जो हेडलाइट होता है वो हेडलाइट से भी लाइट निकलता है। आप घर में ट्यूबलाइट जलाते हैं ना, अब तो ट्यूबलाइट से ज़्यादा कॉमन एलईडी बल्ब्स हो गया, ठीक है। एलईडी, ये क्या होता है ना, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ये जो डायोड है, ये डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिजिक्स का ही एक पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो डायोड क्या होता है वो उसी का कॉन्सेप्ट है, तो वो जानने की ज़रूरत नहीं, ये बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, इतना परेशान मत होइए। एलईडी बल्ब्स देखते हैं ना,
बस समझ लीजिए, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा कुछ रेडिएट कर रहा है क्या? लाइट। और ये जो स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, ये लाइट का वेवलेंथ होता है एक्चुअली। स्पेक्ट्रम कितना, क्या उसका फैला हुआ है। जैसे कि स्पेक्ट्रम का एक बात आता, अच्छा हमने पढ़ा था वेवलेंथ, हम जब यूनिट्स पढ़ रहे थे तो वेवलेंथ पढ़ा था, उस पर क्वेश्चन भी किया था, याद है? वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ नापने का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। तो जो लाइट होता है ना, वो लाइट डिफरेंट रेज का कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट कलर का, उसका प्रॉपर्टी उसके वेवलेंथ से डिसाइड होता है। और वो वेवलेंथ का जो रेंज है, दैट इज फ्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। इसको नैनोमीटर में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा है जिसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको एकदम याद रखिए, इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे और इसको थोड़ा एलोबरेटरी पढ़ेंगे आगे। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है लाइट का, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है ना, वो सीधे लाइन में ट्रेवल करता है, यहां आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसा नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है? और सबसे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइट का, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जैसे लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो साउंड और हीट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सन से लाइट अर्थ पे कभी आता ही नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो मैं भी आपसे पूछता हूँ। लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, रिफ्लेक्शन, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, वो आप सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं जुड़ा है, हिंट भी दे दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है कि हाँ, जैसे स्पेस है, स्पेस में सपोज जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ इन द सेंस कि सन है, ठीक है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट करते हुए 8 प्लैनेट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे स्टार्स हैं। ये जो स्टार्स हो गया, सन हो गया, ये तो लाइट हमेशा इमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो फिर कभी भी स्पेस आप देखते हैं, कहीं भी दिखाएगा किसी भी वीडियो में या मूवीज में या फोटोग्राफ्स में, नासा के या इसरो किसी के भी, उसमें आप हमेशा देखना ब्लैक रहता है, डार्क रहता है, जबकि वहां पे इतना सारा लाइट है सन से और बाकी कितने सारे स्टार्स हैं, फिर भी हमेशा ब्लैक क्यों रहता है? उसको सोचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट का, लाइट का क्या है ना, जो नेचर है उसको कहा जाता है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब दो, ड्यूअल का मतलब दो होता है, ड्यूअल नेचर क्यों कहते हैं? एक तो ये एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज ए वेव भी बिहेव करता है। ये कंक्लूजन हमने क्यों निकाला? क्योंकि लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज उसके पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज उसके वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। जैसे कि अभी मैंने रिफ्लेक्शन का बात किया, तो रिफ्लेक्शन वेव नेचर के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, एक्सप्लेन होगा। रिफ्रैक्शन जो है वेव नेचर से होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये
पार्टिकल नेचर्स होता है, ये हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स सिलेबस में है नहीं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटम फिजिक्स क्या है, जस्ट रिमेम्बर कि लाइट का डुअल नेचर होता है, वो पार्टिकल फोटॉन्स की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। एक डेटा और है, जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि वेवलेंथ याद करने, उसी तरह एक और डेटा याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये लाइट का स्पीड है, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये लाइट का स्पीड है इन वैक्यूम और इन एयर, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, थोड़ा सा डेविएशन है वैक्यूम से एयर में, इसी के लिए हम लोग बराबर मानते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस, इसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लाइट का स्पीड क्या है वैक्यूम में, लाइट का स्पीड क्या है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसको याद रखिए। जब हम लाइट ईयर पढ़ रहे थे, याद कीजिए, जब हम लाइट ईयर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट। एक साल में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट, दैट इज इक्वल टू लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एक और कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आगे और पढ़ेंगे, जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट सीरीज में आएगा, नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम रिफ्रैक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें मीडियम चेंज होता है, अभी रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, वन मीडियम ओनली। अब क्या है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक रेशियो है, ठीक है। ये एक रेशियो है जिसको डिनोट करते हैं म्यू से, किससे डिनोट करते हैं, म्यू, इट इज अ ग्रीक सिंबल, इसको म्यू कहते हैं। म्यू बराबर सी अपॉन यू, ठीक है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये जिस भी मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं उस मीडियम का, अगर हम लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां निकालने के लिए उस मीडियम का स्पीड लेंगे लाइट का, ठीक है। लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। ये जो डेटा है, दो तीन मीडियम है, जैसे कि वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, या सॉरी एयर और वैक्यूम में तो इक्वल होता है, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, या फिर डायमंड, ऐसे मीडियम्स होते हैं, ठीक है ना। सो इन सब में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, कांस्टेंट नहीं है हर मीडियम में। अच्छा, लाइट के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। यहां पे मैंने लिखा क्या है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये फिगर से समझिए, ट्रांसपेरेंट उसको बोलेंगे जहां से कि लाइट जो एमिट हो रहा है, जैसे इस टॉर्च से लाइट एमिट हो रहा है, वो पूरी की पूरी तरह पास कर जाए इस ऑब्जेक्ट को, ऑल लाइट पासेस थ्रू इट। जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, उससे पास हो जाता है, या लेंस जो चश्मा पहनते हैं, तो पूरी की पूरी तरह उससे पास हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांसलूसेंट होता है, जैसे कि कुछ कलर के प्लास्टिक्स आते हैं, कभी बल्ब में लगा करके, नॉर्मल बल्ब में लगा करके उसका कलर चेंज करते हैं हम, ग्रीन कलर या येलो कलर का, वो क्या होता है, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, पार्शली वो बाईपास करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सॉरी बाईपास करता है, ठीक है ना, पार्शली। वैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, और ओपेक किसको बोलेंगे, जो पूरी तरह रोक देता है, जैसे कि आपका लुकिंग ग्लासेस होता है ना, मिरर, जो लुकिंग ग्लासेस होता है, अभी हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे,
ऐसे जो मिरर होता है उससे लाइट आता है, ऐसे आता है और ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसको ओपेक बोलेंगे, वो लाइट को पास नहीं होने देता है। तीन तरह से बांटा है, कैसा है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। अब आगे आते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन से जुड़ा कुछ लॉज है, दो लॉ है। सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन, इसका डेफिनेशन पहले पढ़िए। द फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सपोज कि यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ, ठीक है, इसको ऐसे क्यों बनाया मैंने, ये वाला जो लाइन्स है ना, ये वाला जो एरिया है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग एरिया है, तो इसको ऐसे लाइन बना करके डिपिक्ट करते हैं। तो ये मिरर है, ये वाला एरिया पेंटेड है, लाइट आता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट, ये लाइट आ रहा है, इंसिडेंट लाइट, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जा रहा है, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, ये एयर से आ रहा है, मिरर पे टकरा रहा है, तो ये एयर हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया और ये मिरर सेकेंड मीडियम हो गया। एट द इंटरफेस, इन दोनों के इंटरफेस पे हो रहा है, एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी एक मीडियम से आया, दूसरे मीडियम से टकरा करके फिर उसी मीडियम में वापस चला गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत इत्मीनान से समझिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था कि एक मिरर है, लाइट आ रहा है और लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसका कुछ कंपोनेंट्स है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो का मतलब है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में आ रहा है लाइट, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, रे क्या होता है, चलिए एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक होता है लाइन, लाइन दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकता है, एक होता है लाइन सेगमेंट, इसी लाइन का एक पार्ट जो कि किसी डायरेक्शन में नहीं एक्सटेंड किया जा सकता है। लाइन क्या हुआ, जो दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लाइन सेगमेंट हो गया, इसका एक पार्ट जो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, और रे हो गया जो सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता है, एक डायरेक्शन से कॉन्स्टेंट होता है, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट नहीं, ठीक है। यहां से अगर सन से लाइट आ रहा है, ठीक है, अगर सन से लाइट आ रहा है तो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। और यहां पे एक लाइन अगर हमने बनाया, ऐसे एक लाइन अगर बनाया, दिस इज नोन एज नॉर्मल। नॉर्मल जो है एक परपेंडिकुलर लाइन होता है टू द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लाइन आ रहा है ना, लाइन मतलब रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे आ रहा है, ये पॉइंट को अगर ओ बोलेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन में है, करेक्ट, ये पहला लॉ है। अब जब लॉ है तो ये हर सिनेरियो में सेम होगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट,
इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। ठीक है, ये क्या होता है, ये मिरर है, ये लाइट आया, ये लाइट गया, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये वाला एंगल इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्शन मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बन रहा है इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, समझ गए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, दोनों लॉ हो गया हमारा। अच्छा, टाइप ऑफ मिरर, अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले मिरर के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है, दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर एक स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं मैं, स्फेरिकल मतलब सर्कुलर। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट जो है ये पेंटेड है तो इसको बोलेंगे कॉनकेव। सिमिलरली ये पार्ट पेंटेड है और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन वाला सरफेस है तो दिस विल बी कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं आगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या है। देखिए, ये जो स्फेरिकल मिरर्स होता है ये किसी एक बड़े मिरर का, एक बड़े स्फेयर का एक टुकड़ा होता है। अगर इसको, ये स्फेयर को इस तरह से काट देंगे तो ये एक टुकड़ा बाहर निकलेगा, ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। दोनों में ऑपोजिट साइड रिफ्लेक्शन, यहां से इधर हो रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और यहां पे इधर हो रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, यहां शायद मैंने गलत कर दिया, ये वाला रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा, ये वाला रिफ्लेक्टिंग होगा। ठीक है, इधर से समझिए, दिस इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव है ये एंड दिस इज कॉन्वेक्स। समझ गए, कॉनकेव ऐसे होता है, कॉन्वेक्स ऐसे होता है, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है ना, और ये एक बड़े स्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, अब स्फेयर है तो उसका सेंटर भी होगा, ये सेंटर सी होगा, इस सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो है, ये वाला जो टुकड़ा है उसका भी एक सेंटर होगा, सपोज दिस पॉइंट इज एम एंड दिस पॉइंट इज एन। ठीक है, तो M और N के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको पोल बोलेंगे, डिनोटेड बाय P, दैट इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फेयर, रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। ये जो मिरर, ये स्फेयर का पार्ट है, तो इसका जो रेडियस होगा, इस स्फेयर का जो रेडियस होगा वही इस मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, ये चार टर्म्स याद रखिए, समझ गए, पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पोल, ये दो पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के केस में सेम टर्म्स होते हैं, कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज है विबग्योर।
अभी मैंने ऊपर में आपको बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में, जो कि क्या है स्पेक्ट्रम, जो मैंने बनाया बताया था, वेवलेंथ होता है 400 से 700 नैनोमीटर का, ठीक है, ये वेवलेंथ है 400 से 800 नैनोमीटर का, ठीक है ना। अलग अलग डिफरेंट 7 डिफरेंट कलर्स है, यही 7 रंग से रेनबो बनता है। जो रेनबो बनता है ना, इंद्रधनुष, इन्हीं 7 रंगों से बनता है। इसको याद करने का तरीका, इसको ये याद होना चाहिए आपको, बहुत सिंपल है, विबग्योर, VIBGYOR, वी से वायलट, आई से इंडिगो, इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। ये देखिए, ये एकदम याद होना चाहिए, 400 से 700 तक जाता है, ठीक है, इसको याद रखिए। इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, तब और समझेंगे अच्छे से। अभी आपको याद रखना है क्या हो रहा है, वेवलेंथ वायलेट से रेड की तरफ बढ़ रहा है, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करेगा, दैट विल डिक्रीज, डिक्रीज कहां से, वायलेट से रेड की तरफ डिक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी, जब वेवलेंथ बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है। अगर रेड से वायलेट की तरफ आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, लेकिन वायलेट से रेड की तरफ डिक्रीज करेगा, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चंस, सिंपल मैंने बताया, अभी ऊपर हमने देखा है, द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज 400 टू 700 नैनोमीटर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको एकदम याद कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट अभी हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, अभी देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, लाइक वेव, सही है, करेक्ट है, वेव की तरह भी होता है, लाइक पार्टिकल, हाँ पार्टिकल की तरह भी होता है, लाइक बोथ वेव एंड पार्टिकल, हाँ ये एकदम सही ऑप्शन है, और तीसरा क्या, लाइक नीदर ऑफ बोथ नॉर ऑफ, लाइक नीदर बोथ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, लाइक नीदर ऑफ बोथ नॉर वेव ऑफ नहीं होगा और पार्टिकल होगा, ठीक है, तो ये तो गलत है ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इज सी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसी को कहते हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है, द वेव नहीं, दिस इज स्पीड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली कितना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लास्ट प्रीवियस ईयर में, किसी ईयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या देगा ऑप्शंस, इसको तो याद रखना, ऑप्शंस रहेगा आपके पास एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, ऑप्शन ऐसे दे देगा 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, इस तरह से कंफ्यूज करेगा, याद रखना मीटर पर सेकेंड है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि टाइम टेकन टू रीच सनलाइट अप टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, इसका आंसर होता है 8.5 मिनट, जिसको कि 500 सेकेंड्स भी कह बोल सकते हैं आप, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी हमने पढ़ा था विबग्योर के बारे में, पढ़ा था विबग्योर, पढ़ा था ना,
फर्स्ट अभी हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. क्या कह रहा है? वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट. अच्छा, वेवलेंथ क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? सॉरी, इंक्रीज हो रहा है, नॉट डिक्रीज. फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है. यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 700 है. क्या कह रहा है? द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट. तो गलत है. ऑप्शन बी क्या कह रहा है? वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट. ये भी ये सही है. रेड का ज्यादा है, 700 है, वायलेट का कम है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट. वायलेट और ग्रीन के बीच में कंपेयर कीजिए, किसका वेवलेंथ ज्यादा है. गलत है. वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन येलो. ये भी गलत है. नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव, नहीं, ये नहीं. ऑप्शन विल बी सी, बी. ऑप्शन इज बी. ये विपक्योर के हिसाब से बनाना है. ठीक है, 400 से 700. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. इसको खुद से एनालाइज करके देखिए एक बार, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर से एक बार देखिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्काई इज ब्लू बिकॉज. स्काई, आसमान जो हमको ब्लू दिखता है, क्यों दिखता है, इसको जानते हैं. अच्छा, ये ऑप्शंस आप देखिए, इसका क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टी है एयर का. शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव्स ऑफ बाय एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में एयर होता है. एयर मॉलिक्यूल्स का क्या प्रॉपर्टी होता है? जो वेवलेंथ शॉर्टर होते हैं, जैसे कि वायलेट अगर शॉर्टर है तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा. इंडिको उससे कम होगा, लेकिन ब्लू से ज़्यादा होगा. ठीक है, ब्लू से ज़्यादा होगा, लेकिन हमको ब्लू दिखता है, ब्लू दिख रहा है स्काई, हमको इंडिगो क्यों नहीं दिख रहा है? अगर शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा स्कैटर हो रहा है तो वायलेट क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए क्योंकि ब्लू जो है उसका प्रपोर्शन इस स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा है. ऊपर देखिए, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए. देखिए, ब्लू लाइट जो है उसका प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा है, इसी के लिए ब्लू दिखेगा. प्रपोर्शन भी ज़्यादा है और स्कैटर भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ब्लू दिखता है. द ऑप्शन इज बी. इससे कंफ्यूज नहीं होना है. सनलाइट में ब्लू कलर ज्यादा है, इसके वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर हो रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द रीजन, लेकिन स्कैटरिंग के वजह से दिख रहा है. स्कैटर हो रहा है और प्रोपोर्शन ज्यादा है, इसलिए दिख रहा है. और एटमोस्फेयर जो है, जिसका शॉर्ट होता है वेवलेंथ, उसको ज्यादा स्कैटर करता है. यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, उसको समझिए इस वाले डायग्राम से. ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे. ये प्रिज्म है, प्रिज्म पे सनलाइट जब आता है स्कैटर हो जाता है, तो हमको रेनबो दिखता है ना. रेनबो में द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, नॉट मॉलिक्यूल्स, दे एक्ट एज प्रिज्म और लाइट स्कैटर हो जाता है, इंद्रधनुष बनता है. ठीक है ना.